हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने रोज़ प्लांट लगे हुए हैं, तो आज हम इनको कटिंग से ग्रो करने के बारे में बात करेंगे कि कटिंग से ग्रो करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो और हमें एक हेल्दी प्लांट मिले। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कटिंग लेते समय, वो ये कि जो हम कटिंग ले रहे हैं वो ना एकदम फ्रेश हो और ना ही सूखी हुई, वो थोड़ी सी ओल्ड होनी चाहिए और कटिंग मोटी होनी चाहिए। जब कटिंग से प्लांट बनेगा और जब उसमें फ्लावरिंग होगी तो फ्लावर साइज़ मोटा होगा। अगर कटिंग पतली होगी तो जब उसमें प्लांट बनेगा और जब उसमें फ्लावरिंग होगी तो उसका फ्लावर साइज़ छोटा होगा, उसमें छोटे छोटे फूल बनेंगे। तो कटिंग से प्लांट बनाते समय हमेशा मोटी कटिंग ही लें। तो चलिए कटिंग लेते हैं। मैं जो कटिंग लेने वाली हूँ वो ये कटिंग लेने वाली हूँ, ये जो सामने देख रहे हैं आप, क्योंकि ये कटिंग एकदम परफेक्ट है। ये ना एकदम फ्रेश है और ना ही सूखी हुई, ये एकदम परफेक्ट है और ये थोड़ी सी ओल्ड भी है जिससे हमें कटिंग से प्लांट बनाने में आसानी होगी, और ये थोड़ी सी मोटी भी है हमारी कटिंग। और बाकी जो प्लांट हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा थोड़े से सूखे हुए लग रहे हैं या बहुत ज़्यादा पुराने हैं या बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, जैसा कि ये है, तो हम इसमें से ही कटिंग लेंगे। इसमें हमारी आराम से दो कटिंग निकल जाएंगी यहाँ तक। पहले हम इस कटिंग की ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, हम ये सारी ब्रांचेस साफ कर लेंगे कट करके। तो चलिए इसको साफ करते हैं। अब ये कटिंग ले ली है, अब इसमें हमारी दो कटिंग निकली है, अब हम इसको लगाएंगे। ये कटिंग मैं इस कंटेनर में लगाने वाली हूँ। इसमें मैंने जितनी मिट्टी ली है उसका आधा पार्ट रेत लिया है और इसमें गोबर खाद भी मिक्स किया हुआ है। कटिंग लगाने के लिए मिट्टी लेते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि मिट्टी में किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। हमारी मिट्टी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए और मिट्टी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी पुरानी होगी तो उसमें बहुत सारे वर्म्स पड़ जाते हैं, जो कैचुए होते हैं वो पड़ जाते हैं, जिससे कि वो रूट खाना शुरू कर देते हैं प्लांट की। और अगर हम उस तरह की मिट्टी में कटिंग लगाएंगे तो हमारी कटिंग को वो नुकसान पहुंचाएंगे, और किसी तरह का अगर कोई कीड़ा लगा होगा मिट्टी में तो वो भी हमारी कटिंग को नीचे से नुकसान पहुंचाएगा, जिससे उसमें प्लांट बनने में दिक्कत होगी। और कटिंग लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि उसका 1 से 1.5 इंच तक का हिस्सा कम से कम मिट्टी में दबा होना चाहिए, जिससे कि हमारी कटिंग मजबूती से मिट्टी में दबी रहे। अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। इसमें हमें मॉइस्चर बराबर बना के रखना है, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। बराबर वाटरिंग करते रहें जिससे कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और इसमें प्लांट बनने में आसानी हो। इसमें पूरी तरह प्लांट बनने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। उससे पहले हमें इन कटिंग्स को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। एक और जो बात ध्यान रखनी है हमें कटिंग लगाते समय, वो है टेम्परेचर। क्योंकि रोज़ को कोल्ड वेदर पसंद है, तो अगर हम विंटर में कटिंग लगाते हैं तो हमारा प्लांट बहुत आसानी से बन जाता है। 1 वीक के अंदर इसमें हमारी पत्तियां बननी शुरू हो जाती हैं और 15 दिन के अंदर इसमें छोटी छोटी शूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो विंटर में कटिंग से प्लांट लगाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अगर हम समर में लगाना चाहते हैं प्लांट इसका, तो हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा इसके लिए, जिससे कि हमारा कटिंग से प्लांट बन पाए। क्योंकि कुछ सालों से ज़्यादातर महीने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो अगर हम कटिंग से प्लांट लगाना चाहते हैं विंटर से पहले, तो हमें उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। उसके लिए पहले हमें प्लांट को, जो भी हमने प्लांट लगाए हुए हैं, उन्हें ग्रीन नेट से कवर करना होगा। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो हम किसी पुराने कपड़े से भी उनको कवर कर सकते हैं, जिससे कि छांव बनी रहे। और बड़े प्लांट हम
पहले अरेंज करेंगे और उसके आसपास फिर छोटे छोटे प्लांट, क्योंकि उससे जो गर्म टेम्परेचर भी होगा तो जो प्लांट एक्स्ट्रा वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं उससे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और प्लांट के आसपास ठंडक बनी रहेगी। उसके बाद जिस कंटेनर में हम कटिंग लगा रहे हैं उस कंटेनर को हम उन छोटे छोटे प्लांट के ग्रुप के बीच में रख देंगे। इस तरह छोटे छोटे प्लांट के एक ग्रुप के बीच में रख देने से उसके ऊपर बराबर छांव बनी रहेगी। बस हमें ध्यान रखना है कि उसको ताज़ी हवा मिलती रहे और रोशनी भी पड़ती रहे। धूप में उसे हमें रखने से बचाना है, उसके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए, बस उसको ताज़ी हवा मिलती रहे और छांव बनी रहे। इस तरह से हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा प्लांट बनने में आसानी होगी। और उसके बाद जब हम कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो कंटेनर में हमें मॉइस्चर बना के रखना है, जिससे कि कटिंग को बराबर मॉइस्चर मिलता रहे, क्योंकि कटिंग करने के बाद प्लांट की जो कटिंग होती है उसमें कोई भी अपना मॉइस्चर नहीं होता, तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए हमें कंटेनर की जो मिट्टी है उसको गीला करके रखना होगा, जिससे कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और प्लांट को बराबर मॉइस्चर मिलता रहे। इस तरह हम कटिंग से किसी भी मौसम में प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि रोज़ प्लांट को टेम्परेचर डाउन चाहिए। अगर हम इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो हमारा प्लांट बहुत जल्दी बन जाएगा। अब मैं आपको वो कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने प्लांट बनाने के लिए लगाई थी और उनमें से प्लांट बनना शुरू हो चुका है। ये मेरे सामने वो कटिंग है जो मैंने 10 नवंबर को लगाई थी और आप देख सकते हैं इनमें कितनी बड़ी बड़ी शूट्स बन चुकी हैं। ये इसमें काफ़ी सारी शूट्स बन चुकी हैं, ये यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बड़ी शूट्स बन चुकी हैं। और ये मैंने 10 नवंबर को लगाई थी और इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। ये जो शूट्स हैं ये कितनी बड़ी बड़ी बन चुकी हैं ये, और ये कुछ ही टाइम में ग्रोथ लेना भी शुरू कर देगा। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें कटिंग से बहुत जल्दी प्लांट मिल जाता है और बहुत अच्छा प्लांट मिलता है। इस तरह मैंने काफ़ी सारे प्लांट बनाए हैं और काफ़ी सारी कटिंग से मैंने काफ़ी सारे प्लांट लगाए हैं। कटिंग में इस तरह ग्रोथ होने पर हमें जल्दी से इनको शिफ्ट नहीं करना चाहिए, हमें शिफ्ट तभी करना चाहिए किसी दूसरे कंटेनर में जब इसकी जो शूट्स हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस बन जाए और उनमें से और भी ज़्यादा ब्रांचेस बनने लगें और जब वो अच्छे से ग्रोथ लेने लगें, तब कटिंग में रूट बनकर तैयार हो चुकी होती हैं और तब अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, एक अच्छा प्लांट हमें मिल जाएगा। और जब भी आप इन कटिंग को शिफ्ट करें हमेशा शाम के समय शिफ्ट करें, जिससे कि मिट्टी में ये अच्छे से ग्रिप बना पाए और ग्रोथ लेने में इनको आसानी हो। तो आप भी कटिंग से प्लांट लगाते समय इन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि आपको कटिंग से एक हेल्दी प्लांट मिल पाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।